नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों को नई सौगात देने वाले हैं। जी हां, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 विशेष किस्में देश के किसानों को समर्पित करेंगे। फसलों की ये विशेष किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की है और इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटना है। इन किस्म का इस्तेमाल फसल की पैदावार बढ़ाने में किया जाएगा। पीएम इस दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। बता दें, कृषि विश्वविद्यालयों को हरित परिसर पुरस्कार प्रदान करेंगे। पीएम कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी आज जिन फसलों की विशेष किस्म की सौगात देश को देने वाले हैं, उन फसलों में चने की ऐसी एक फसल भी होगी जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। अरहर की पैदावार बढ़ाने के लिए रोग प्रतिरोधी फसल को भी शामिल किया गया है और जल्द ही पकने वाले किस्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी विकसित किया गया है। इसके अलावा बाजरा, मक्का, कुट्टू जैसे फसलों की भी अलग वैरायटी भी देश को आज मिलने जा रही है। लगातार बदलते मौसम और मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए पीएम मोदी की ये सौगात आने वाले दिनों में देश को खाद्यान्न संकट से बचा सकती है। भगत सिंह की जयंती के मौके पर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी मंगलवार यानी कि आज कांग्रेस में शामिल होंगे। बता दें, कन्हैया को नजदीकी सूत्रों ने बताया है कि मंगलवार शाम कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों युवा नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष रहे कन्हैया और दलित नेता जिग्नेश के साथ उनके कुछ साथी भी कांग्रेस में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस में शामिल होने से पहले कन्हैया और जिग्नेश दिल्ली के आईटीयू पर स्थित शहीदी पार्क में भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, जहां उनके साथ राहुल गांधी भी नजर आएंगे। ऐसे में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद सभी कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बता दें, कांग्रेस में कन्हैया और जिग्नेश की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों युवा नेता देश भर में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनों की मुहिम चला सकते हैं। चर्चा यह भी है कि बिहार में कन्हैया और गुजरात में जिग्नेश को कांग्रेस बड़ा पद दे सकती है। इसी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में कुछ और युवा नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। जी हां, सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग दिया गया है। साथ ही बता दें, जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस छोड़कर कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, तभी से उन्हें मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याणम, होमगार्ड, प्रांतीय या रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा विभाग, राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग दिया गया है। बता दें, राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग और राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है, जबकि राज्य मंत्री दिनेश खाटेक को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। ऐसे में सीएम ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को विभागों का दायित्व प्राप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी के कुशल, अनुभवी और क्रमिक नेतृत्व में संबंधित विभाग विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार यूपी में हो चुका है, उसके बाद अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप मथुरा पहुंचे, जहां फरहा स्थित सपा संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंडित दीपक गौड़ ने आवास पर एमएलसी का स्वागत और सम्मान भी किया, जहां पर सपा नेता दीपक गौड़ द्वारा
बता दें राजपाल कश्यप को मूर्ति और दुपट्टा भेंट कर उनका सम्मान और स्वागत किया गया। वहीं ब्रज की धरा पर हुए अपने स्वागत और सम्मान को लेकर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मथुरा कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर आकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक गौड़ ने कहा कि आज हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जो सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए जाते समय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मेरे निवास पर पहुंचे थे, जहां हमारे द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया। माननीय राजपाल कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के एमएलसी साहब, हम आए थे और उनका मैंने अभिवंदन और सारे की जनता ने स्वागत किया और वहाँ पर चुनावी रणनीति पे बातचीत हुई आगामी विधानसभा चुनावों की। आज जिस तरह से किसानों द्वारा भारत बंद किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति है और सपा का क्या रुख है उसको लेकर? देखिएगा, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। किसान समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है, हर मुद्दे पर खड़ी है और तीनों बिलों के खिलाफ है समाजवादी पार्टी। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी, तीनों बिलों को हम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे। जिस तरह से आज किसानों ने जो जाम किया है उससे लंबी लंबी लाइन है, बहुत सी जगह सड़कों पर हाईवे पर लगी है जिससे जनता परेशान हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिएगा, किसान भी जनता है। किसान जो भी जनता है, जब तक किसान नहीं है तो जनता वो अन्नदाता है। अगर किसानों की समस्या में अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, जनता उनके साथ नहीं होगी तो किसान बताइएगा क्या करेगा, किसान किससे कहेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अंधी गुओं की सरकार है, ना सुन रही ना बोल रही। कितने 10 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब आज चुनाव उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कंडोलिया पार्क से हरी झंडी दिखाकर किनाश पर्वत के लिए ट्रैकिंग दल को रवाना किया गया। बता दें पौड़ी में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से किनाश पर्वत के लिए एक ट्रैकिंग दल रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ट्रैकिंग दल में शामिल सभी लोगों से स्वच्छता बनाए रखने होते हुए प्रकृति के नजारों का लुफ्त उठाने की अपील की थी। ऐसे में इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ पर्यटन विभाग से जुड़े कर्मचारी और कई छात्र और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद के कैबिनेट मंत्री बनते ही शाहजहांपुर प्रसाद भवन में समर्थकों ने दिवाली मनाई। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लखनऊ के राजभवन के गांधी सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र प्रसाद को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई थी। इसके अलावा पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, संजीव कुमार, संगीता बलवंत बिंद, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस दौरान जितेंद्र प्रसाद के कैबिनेट मंत्री बनते ही वहां पर उनके समर्थक शाहजहांपुर स्थित उनके प्रसाद भवन पर पहुंचे और पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। समर्थकों में प्रमुख रूप से वरिष्ठ कार्यकर्ता अनीस अहमद, कांग्रेस की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष सावित्री शर्मा, बीजेपी जिला मंत्री राजकमल वाजपेयी, अमित वाजपेयी समेत कई अन्य दर्जनों समर्थक वहां पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जश्न मनाया गया, पटाखे जलाकर दिवाली जैसा माहौल देखने के लिए मिला। समाज के लिए, पूरे शाहजहांपुर जनपद के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे अगर नेता को मंत्री बनाया जाता है, पहले से ही माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे इस जनपद से और एक और कैबिनेट मंत्री हमारे जनपद से उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्त हुआ है, ये बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष का विषय है। पूरे जनपद में हर्षोल्लास का माहौल है और बहुत ही हमारी पार्टी का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पूरे जनपद में, पूरे समाज में बहुत ज़्यादा खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। कितना उपलब्धि होगी शाहजहांपुर और प्रदेश के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि देखिए कौन सा विभाग मिलता है और किस विभाग में मतलब काम करने का माननीय मंत्री जी को मौका मिलता है। लेकिन जिस विभाग में मौका मिलेगा, इससे पहले आपने देखा होगा कि आपने धरोहर सांसद के रूप में वहाँ बहुत सारा विकास कराया था, लेकिन आज
यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें माननीय मंत्री जी चूँकि कर्मठ व्यक्तित्व हैं, जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा बहुत मैक्सिमम करने का मनो प्रयास रहता है और उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर कहीं मिलेगा तो शाहजहाँपुर को निश्चित तौर पर मिलेगा। उत्तरकाशी के विकास खंड चिल्यानी सौंड के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चिमियारी में जिलाधिकारी के निर्देश क्रम में कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज कल्याण, पंचायत राज, बाल विकास, श्रम विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, जल संस्थान, खाद्यान्न विभाग सहित कई अन्य विभाग उपस्थित रहे। शिविर में वृद्ध अवस्था, विधवा, विकलांग और किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 38 आवेदन पत्र आवंटित किए गए। 10 आवेदन पत्र जमा हुए, 13 लोगों के आय प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि 7 परिवार रजिस्टर की नकल जारी की गई। ऐसे में बाल विकास विभाग द्वारा 25 जल कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन आवंटित किए गए। वहीं बता दें चिकित्सा विभाग द्वारा 10 चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए गए और 50 लोगों का कोविड-19 परीक्षण भी किया गया। ऐसे में 17 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। उद्यान विभाग द्वारा बीजों के वितरण भी किए जाने के साथ ही कृषि विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि के 10 फार्म आवंटित किए गए। शिविर में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण को लेकर सभी लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही 2 गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता का भी पालन सुनिश्चित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रदीप केंतुरा, ग्राम प्रधान मरगाम सुरेंद्र पाल और प्रधान चिमियारी सुशील, सामाजिक कार्यकर्ता शिव शंकर भी वहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे थे जिन्होंने इस शिविर का आयोजन किया था। केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। जी हां, इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और heliservices.uk.gov.in वेबसाइट पर आवेदन आप सभी कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने 18 अक्टूबर से 4 धाम यात्रा शुरू कर दी है और ऐसे में अभी तक केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को हेली सेवा की सुविधा नहीं मिल पाई है। मई में चारों धामों के कपाट खुलने से पहले यूकाडा ने हेली सेवा संचालन की तैयारियां पूरी कर ली थी। गुप्तकाशी, सिरसा, फाटा हेलीपैड से हेली सेवाओं का संचालन किया जाना है। बताने से पहले भी वेबसाइट पर हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई थी जिस पर करीब 1100 तीर्थ यात्रियों ने बुकिंग करा ली थी, लेकिन 4 धाम यात्रा पर रोक लगने के बाद ही बुकिंग रद्द कर यात्रियों को उनका पैसा वापस दे दिया गया था। ऐसे में यूकाडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाति भदौरिया का कहना है कि 28 सितंबर से केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी और 1 अक्टूबर से हेली सेवा का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। तो यानी कि आज से केदारनाथ जाने वाले सभी लोगों के लिए, जो लोग भी हेली सेवा का लुत्फ उठाना चाहते हैं, आज से बुकिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए कट ऑफ शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर को जारी होगी और पहली कट ऑफ को दाखिले के लिए 4 अक्टूबर उसके दाखिले शुरू हो जाएंगे। तीसरी कट ऑफ तक छात्रों को दाखिले के लिए 3 दिन मिलेंगे, जबकि तीसरी कट ऑफ के बाद जारी होने वाली कट ऑफ में दाखिले के लिए छात्रों को 2 दिन का वक्त मिलेगा। ऐसे में कॉलेज द्वारा दाखिला मंजूर करने के बाद ही छात्र फीस का भुगतान कर सकेंगे। बता दें बीते साल की तरह इस साल भी दाखिले की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन ही रहेगी। ड्यू प्रशासन ने 5 कट ऑफ का शेड्यूल फाइनल कर उसे जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक तीसरी कट ऑफ के बाद एक स्पेशल कट ऑफ भी जारी की जाएगी। इसके बाद 4थी और 5वीं कट ऑफ जारी होगी। इन सभी कट ऑफ के बाद सीटें बचने पर स्पेशल ड्राइव आयोजित किया जाएगा। ऐसे में 5वीं कट ऑफ 8 नवंबर को जारी होगी, जिसके बाद 9 नवंबर और 10 नवंबर को दाखिला लिया जा सकेगा। दाखिले के समय छात्रों को अनिवार्य मूल दस्तावेज दाखिल करने के समय प्रस्तुत करते हैं और इनका ऑनलाइन ही सत्यापन किया जाएगा। आपको बता दें कि डीयू दाखिला समिति चेयरमैन प्रोफेसर राजीव गुप्ता के अनुसार इस साल दाखिला प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन ही है और तीसरी कट ऑफ में दाखिले के लिए 1 दिन अतिरिक्त मिलेगा, क्योंकि उस दौरान ईद मिलाद का त्योहार भी है।
भारत की स्वर कोकिला हिंदी सिनेमा की लेजेंड गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर आज अपना 92वां जन्मदिन मना रही हैं। गायिका की दुनिया में लता मंगेशकर का जो स्थान है वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। लता दीदी ने 50,000 से ज्यादा गानों को अपनी सुरीली आवाज दी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लता मंगेशकर दिखने में काफी गंभीर लगती हैं लेकिन असल जिंदगी में वो इससे काफी अलग हैं। लता मंगेशकर ने जो मुकाम हासिल किया है उसके आगे तमाम सिंगर कहीं भी खड़े होते नजर नहीं आते हैं। उनका ऑरा ही कुछ ऐसा है कि कोई भी उनके सामने बात करने से घबराए और अगर बात सिंगिंग की हो तो अच्छे से अच्छा सिंगर की हालत खराब हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लता जी असल जिंदगी में काफी मजाकिया हैं, वो खूब जोक्स भी सुनाती हैं। पिछले दिनों जब कपिल शर्मा के शो का म्यूजिकल स्पेशल चल रहा था तो उसमें गायक उदित नारायण बतौर मेहमान वहां पर शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने लता मंगेशकर से जुड़ा काफी दिलचस्प बातें और किस्से वहां पर ऑडियंस को बताए थे। शाहजहांपुर में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जितेन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने जितेन प्रसाद को बधाई देते हुए कहा कि जितेन प्रसाद के कैबिनेट मंत्री बनने से विकास कार्यों को और गति मिलेगी, साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जितेन प्रसाद जनाधार वाले और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और अब वो सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि जितेन प्रसाद के पार्टी में शामिल होने और मंत्री बनने से प्रदेश में बीजेपी का जनाधार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास करने वाली बीजेपी सरकार एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी क्योंकि बीजेपी ने सभी जाति धर्म और वर्ग का ख्याल रखा है। माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में आज 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं, इनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 7 मंत्रियों को शामिल करके इस विचार को और पुष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर अमल करती है और मेरा विश्वास है कि इन 7 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से ये सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक बहुमत दिलाएगा। साथ ही यहाँ तक जितेन प्रसाद जी के शाहजहांपुर में मंत्री बनने से शाहजहांपुर में और दूनी गति से विकास का रास्ता साफ करेगा और तो मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष पर डायबिटीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में 10 लाख लोगों को ब्लड शुगर का परीक्षण करने वाली है। बता दें इसी तरह का ये पहला प्रयास है जो इतिहास रचने जा रहा है। इस इवेंट को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा और इसी को लेकर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सेंटर फॉर डायबिटीज केयर के निदेशक डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि RSS DII और आर्ट ऑफ लिविंग एंड रोटरी इंडिया साथ मिलकर विश्व हृदय दिवस यानी कि आने वाले 29 सितंबर को एक दिन में 10 लाख लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट करेगा। उन्होंने बताया कि आम जनता में हृदय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और सबको पता है कि डायबिटीज और हृदय रोग का गहरा संबंध है। उन्होंने बताया कि डायबिटीज और हृदय रोग और हार्ट अटैक से मृत्यु के जोखिम को कई गुना तक बढ़ा देता है। बता दें कि डॉक्टर अमित गुप्ता इस अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। बता दें इस अभियान के लिए पूरे देश में 10,000 से ज्यादा साइट्स बनाई गई हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 50 से ज्यादा जगहों पर 10,000 से ज्यादा लोगों के डायबिटीज परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। देखिए भारत में लगभग 80 मिलियन लोग हैं जिनको डायबिटीज है
और 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है और लगभग 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन डायबिटीज़ के बारे में पता नहीं है। कोविड 19 के दौरान हमने ये देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको ना केवल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुए, ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ा और मोर्टेलिटी और मृत्यु दर भी ऐसे लोगों में ज़्यादा थी, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम शुगर को एक पहचानें और शुगर की बीमारी का इलाज करें, अगर शुगर है तो हम उसका इलाज करें और अगर हमें शुगर नहीं है और होने का रिस्क है तो अभी से प्रयास करें कि हमें भविष्य में शुगर ना होने पाए। तो जैसे कि हमें बहुत अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम 30 से 40 मिनट का डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि हम अपने खान पान को ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये शो किया है कि हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसमें लगभग 7 से 65% तक जो हिस्सा आता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फैट की मात्रा को कम रखना चाहिए। तो ये सब करके हम अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल सोमवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित जिला चिकित्सालय में भर्ती प्रवीण काशी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारी प्रवीण काशी को जूस पिलाकर उनका आवरण अनशन तोड़वाया। इस दौरान बताने प्रदेश अध्यक्ष में प्रवीण काशी ने कहा कि गणेश स्वयं आपके पास आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो प्रवीण की जमानत देकर उन्हें जेल से छुड़वाएंगे और मगर उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आई तो राज्य में आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बता दें साल 2018 में गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग पर चले आंदोलन के दौरान 38 आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके चलते 14 सितंबर को कर्णप्रयाग के न्यायालय में प्रवीण काशी ने आत्मसमर्पण किया था और 19 सितंबर को उन्होंने पुरसाड़ी जेल के बैरक में ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था और ऐसे में 20 सितंबर को तबियत बिगड़ने पर जेल प्रशासन द्वारा उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से प्रवीण काशी जिला अस्पताल में आमरण अनशन कर रहे थे। उन विधानसभा क्षेत्रों के हित में है, प्रदेश के हित में होगा और उनका अगर कोई विचार आता है सामने तो उसका निर्णय किया जाएगा, हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व तक की बात जाएगी। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं इस पर निर्णय करूं, हमारे यहां से लेकर और हाईकमान तक के लोग इस पर विचार करेंगे तब अभी निर्णय लेंगे, अभी तक अभी ये कोई बात प्रोसेस में नहीं। आप अभी जो है आपके पूर्व अध्यक्ष और आप अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलकर दिल्ली आने की बात एक आई थी और उसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जो यशपाल आ रहे हैं उनकी उनको लेकर के चर्चा चल रही है कि उनकी भी घर वापसी हो सकती है, तो अभी मुख्यमंत्री भी उससे मैं तो समझता हूं कि इस प्रकरण पर भाजपा स्वयं अपने लोगों पर संदेह व्यक्त करती है, हमने तो कभी ऐसी बात कही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि स्वयं संदेह व्यक्त कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी से उस पार्टी के अपने नेताओं से संबंध ठीक ठाक नहीं है और जब संबंध ठीक ठाक नहीं होंगे तो सख्त जाहिर कर रहे हैं, हमने इस पर कुछ नहीं कहा कभी। हुसैन जी के बयान पे क्या कहेंगे आप? मैंने कहा कि घोर ऐसा बयान है कि जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, फजूल और बेहयाई की चरम सीमा इसको कहूँगा मैं समझता हूँ कि फोड़ता की हद नामदीन होना है। इस प्रकार के भावना ये व्यक्त करती है, ये इनकी भावना ये व्यक्त करती है कि ये तोड़ने में विश्वास रखते हैं और ये देश के न तो देश के हित में है और इस प्रदेश के। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए ई पास की बाध्यता को समाप्त करने और केदार धाम की यात्रा को पूरी तरह से खोलने को लेकर केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण केदार घाटी के बाजार बंद रहे। इसके साथ ही केदार घाटी की जनता ने केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर भी जगह जगह प्रदर्शन किया। देखिए होटल एसोसिएशन के बैनर तले आज पूरे कुंड से और गौरीकुंड के बीच में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे वो हमने बंद कर दिए हैं। एक दिन का जो एक आंदोलन था हमारा सरकार के विरोध में वो पूर्ण तो सफल होता दिख रहा है, हालांकि इस दौरान तीर्थयात्रियों को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। देखिए हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ ई पास को लेकर और जो तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी है उसको लेके है। हमें पता है कि कोरोना काल चल रहा है और हाई कोर्ट के जो निर्देश है उनका अनुपालन सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी कम से कम जो ई पास की बाध्यता सरकार के एसओपी में है उसका तत्काल प्रभाव से ये ई पास की जो बाध्यता है उसको खत्म किया जाना चाहिए। और दूसरा जो सिर्फ 800 के तीर्थ यात्री जो इन लोगों ने जो है संख्या
और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।